गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स. आज हम लेसन सेकंड कलेक्शन ऑफ डाटा का सेकंड मेथड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स की स्टडी करेंगे. इसमें दो मेथड्स हैं, मेलिंग सर्वे एंड इन्यूमरेटर मेथड. फर्स्ट मेथड है हमारा मेलिंग सर्वे. इसमें क्या है, क्वेश्चनियर बनाया जाता है और वो क्वेश्चनियर क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्डेंट जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको हम वो क्वेश्चनियर सेंड कर देते हैं और वो उसको फिल करके हमें वापिस भेज देता है. तो इसमें क्या होगा, इसके लिए हमें इंक्वायरी के लिए क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया. उस क्वेश्चनियर को हमने जिस व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको मेल कर दिया, वो व्यक्ति अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके हमें वापस सेंड कर देगा. ठीक है, इस मेथड के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं. सबसे पहली मेरिट इसकी क्या है, इकोनॉमिकल. ये मेथड कैसा है, टाइम भी इसमें बचता है, मनी भी बचती है और एफर्ट्स भी बचते हैं. सेकंड, ओरिजिनल. इस मेथड में जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कैसी होती है, ओरिजिनल होती है. थर्ड, इस मेथड में आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो, ये मेथड कैसे वाइड कवरेज का है, लिमिटेड एरिया को कवर नहीं करेगा क्योंकि इसमें मैंने एक बार क्वेश्चन प्रिपेयर किया उसको मैंने मेल कर देना है और मेल करने के बाद उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग मुझे वापस रीसेंड कर देंगे. तो ये मेथड क्या होगा, ज्यादा एरिया को कवर करेगा स्मॉल एरिया के मुकाबले. सेकेंड, जिस तरह किसी मेथड की मेरिट्स है वैसे ही कुछ ना कुछ डीमेरिट्स है. इस मेथड की भी कुछ डीमेरिट्स है. फर्स्ट डीमेरिट है लैक ऑफ इंटरेस्ट. कई बार क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चनियर मैंने मेल कर दिया, जिस व्यक्ति को मैंने मेल किया उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसे फील करने में. तो जहां इंटरेस्ट की कमी है वो मैं जबरदस्ती तो इंटरेस्ट नहीं बना सकती. तो क्या होगा, फर्स्ट डिमेरिट क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट. सेकंड, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. वो उसको भरने के लिए इच्छुक नहीं है, उसका मन नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें क्वेश्चन पुट किए हैं उनके आंसर से समझ नहीं आ रहे. तो ये भी इसकी एक बड़ी डिमेरिट है. थर्ड, लिमिटेड यूज. इस मेथड का सबसे बड़ा लिमिटेड यूज किस कारण होगा, आपको सोचो इसमें मैंने मेल करना है और जो इन्फॉर्मेशन है आपने अपनी फील करके मुझे वापस रीसेंड करनी है. तो हम दोनों का क्या, एजुकेटेड होना जरूरी है ना, अनएजुकेटेड पर्सन इसे कर सकते हैं? नो. बायसनेस क्या होता है, इसमें मैंने मेल कर दिया, मैंने क्वेश्चनियर आपके पास सेंड किया, आपने उसको फील करके भेजना है. तो कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह आपको पहले ही बोला इन मेथड्स में एक पर्सनल बायसनेस तो एक डीमेरिट है ही है. तो पर्सनल बायसनेस पाई जाती है. फिफ्थ, लेस एक्यूरेसी. इसमें जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम उनसे ले रहे हैं, हो सकता है वो पूरी तरह से करेक्ट या सही ना भी हो, वो अपने बारे में सही जानकारी ना दे. ठीक है, अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं, इन्यूमरेटर मेथड. इन्यूमरेटर मेथड में क्या, इसमें इंक्वायरी के पर्पस से एक क्वेश्चनियर बनाया जाता है. वो क्वेश्चनियर क्या होता है, इन्यूमरेटर जो है रिस्पोंडेंट के पास जाता है और उससे वो क्वेश्चनियर फील करवाता है और उससे क्वेश्चन पुट करके उसके आंसर्स को उस क्वेश्चनियर में फील करता जाता है. और इस मेथड में क्या है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन पुट करता है, सबके आंसर लेता है और सारे के सारे क्वेश्चन को फिल करता है. तो ये कैसा मेथड है, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन फिल हो जाएगा. लेकिन जो मेलिंग मेथड है इसमें हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ना देना चाहे तो उसको वो ब्लैंक छोड़ के मुझे मेल कर देगा. अब इसमें क्या है, इन्यूमरेटर मेथड के कुछ मेरिट्स हैं. वाइड कवरेज, इसका भी एरिया जो है मतलब ये वाइड एरिया, ज्यादा एरिया को कवर करेगा. सेकेंड, इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है रिस्पोंडेंट से सीधे रिस्पॉन्स ले रहा है तो इसमें जो भी डाटा मैं कलेक्ट करूंगी वो कैसा होगा, एक्यूरेट होगा. थर्ड, अब हमारा पर्सनल कॉन्टेक्ट है तो हम लोग एक दूसरे के बारे में जो भी मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ मैं उससे पर्सनली वर्बली पूछ के ले रही हूँ और उसे क्वेश्चनियर में फिल कर रही हूँ. इस मेथड में कहीं भी पार्शियलिटी की जगह नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक मेथड में कुछ ना कुछ पार्शियल या बायसनेस पाई जाती है. कंप्लीटनेस, इसमें क्या है, मैं जब एक एक क्वेश्चन को आपसे पुट कर रही हूँ उसका आंसर ले रही हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन फिल किए जाएंगे तो इसमें जो भी परफॉर्मा होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से भरा हुआ हमें वापस मिलेगा. डीमेरिट्स, जैसे इसकी मेरिट्स है वैसे डीमेरिट्स भी है. अगर ये वाइड एरिया को कवर करता है तो इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीला है. इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, मनी भी ज्यादा लगेगी, एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे. ठीक है, पार्शियल, इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल बायसनेस पार्शियलिटी पाई जाती है. और टाइम कंज्यूमिंग, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है डाटा को कलेक्ट करने में क्योंकि हम पर्सनल कॉन्टेक्ट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. अब हमने यह स्टडी किया, इसके बाद जो आगे हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चनियर होना कैसा चाहिए, उसमें क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए. देखो सबसे मेन क्या होती है, लैंग्वेज. क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो लिमिटेड से होने चाहिए, मतलब 20 to 25. सेकेंड, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. थर्ड, क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि सारी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो. फोर्थ, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें कैलकुलेशन कम से कम हो. और फिफ्थ, हम जब भी क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं हम उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये निर्देश है इनका आपने पालन करना है.
सिक्स पॉइंट, इसमें क्या है जो भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, उनकी लैंग्वेज इजी होगी और जो भी क्वेश्चनियर हम उन्हें फिल करने के लिए देंगे हम उन्हें ये कहेंगे कि इस क्वेश्चनियर को फिल करने के बाद आपने हमें वापस सेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि हम एग्जाम में देखते हैं क्या आपने खाना खाया, यस और नो, कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं यस नो वाले, कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने पुट किया उसकी चार ऑप्शन दे दिया, आपने उन चार में से एक ऑप्शन पे राइट या रॉन्ग करना है। कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं जिनका मतलब कि क्या, जिनमें हम ये पता होता है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए हमारे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, फोर, वो आपकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमें कोई ना कोई दे रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ओपन होते हैं, ओपन क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हम जो प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं उस सिचुएशन को हम कैसे फेस करेंगे, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, तो मतलब कुछ इसमें जो भी क्वेश्चन क्वेश्चनियर में क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, या एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, एक कैसे हो गए ओपन क्वेश्चन हो गए, और एक कौन से क्वेश्चन हमारे पास की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लेसन सेकंड का कलेक्शन ऑफ डाटा का रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हमने पहले स्टडी किया है कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करते हैं या हम क्वेश्चनियर वाला मेथड यूज करते हैं। अब हम उसमें थर्ड मेथड की स्टडी करेंगे टेलीफोनिकली इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब है कि टेलीफोन के जरिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है और जो रिस्पॉन्डेंट है जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है टेलीफोन के जरिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन वो जो क्वेश्चन उसे पुट करने वो पुट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए उसके उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा व्यक्ति उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे उनके आंसर उसे देगा। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होगा टेलीफोनिकली इंटरव्यू। अब आप मुझे बताइए जब हम टेलीफोनिकली इंटरव्यू ले रहे हैं तो जिस तरह सभी मेथड्स की मेरिट डिमेरिट्स है तो इस मेथड की भी कुछ मेरिट्स होंगी। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पुट करना है, मैं आपसे फोन पे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो उससे क्या होगा ओरिजिनल होगा, आपसे मैंने आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए हैं तो उससे मुझे जो आंसर्स मिलेंगे वो क्या होंगे ओरिजिनल होंगे, जो मैं जानना चाहती हूँ आप उससे रिलेटेड जानकारी दोगे, अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताओगे। सेकंड, जो भी डाटा मैं कलेक्ट करूंगी अगर मैं उसी पर्सन से फोन पे बात कर रही हूँ जिससे रिलेटेड मैंने डाटा लेना है तो वो क्या डाटा कैसा होगा एक्यूरेट होगा। थर्ड, रिलायबिलिटी, जो भी डाटा मैं कलेक्ट करूंगी वो रिलायबल होगा, वो उससे जुड़ा हुआ होगा। अगर मैंने वीट या क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा लेना है कि आपकी इतनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन है या आपके फैमिली में इतने मेंबर इंप्लॉयड है या इतने अनएम्प्लॉयड है तो उससे उससे रिलेटेड डाटा जब मैं आपसे पूछ रही हूं तो मैंने उसी चीज का डाटा लेना है जिस चीज के लिए मैं स्टडी कर रही हूं। अगर मैं टेलीफोनिकली आपसे पूछ रही हूं कि मैं सर्वे कर रही हूं अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड पर्सन का तो मेरा डाटा किससे रिलेटेड होना चाहिए उसी चीज से रिलेटेड, मतलब रिलायबल भी होगा। इस मेथड की जिस तरह कुछ मेरिट्स है वैसे कुछ डीमेरिट्स भी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी मेथड है हर एक मेथड में कहीं ना कहीं पर्सनल बायसनेस आती है। हो सकता है मैं टेलीफोनिकली इंटरव्यू ले रही हूँ और वहां पे मुझे उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं उसकी कोई बात ना पसंद आए तो वहां मेरी पर्सनल बायसनेस आ गई, उसकी वजह से मैं उस डाटा में कुछ हेरफेर कर दूंगी। सेकेंड, लिमिटेड एक्सेस, ये जो डाटा है टेलीफोनिकली जो हम लेंगे ये हम लिमिटेड से ही इसको एरिया में वो कर सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोगों के पास अपना फोन ही अवेलेबल नहीं होता तो हम कैसे उनसे उन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर मैं टेलीफोनिकली इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं किसी व्यक्ति से उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करूंगी अगर उसके पास फोन अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, अब हमने स्टडी कर लिया कि जो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं हम कैसे करते हैं। प्राइमरी डाटा हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चनियर के थ्रू कर रहे हैं और टेलीफोनिकली कर रहे हैं। अब हमने बोला था डाटा टू टाइप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
तो अब हम स्टडी करेंगे कि हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो है वो टू सोर्सेज हैं जिनसे हम कलेक्ट करते हैं, पब्लिश्ड है और एक अनपब्लिश्ड है। पब्लिश्ड क्या है, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड कोई सर्वे किया जाता है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके उसको राइट डाउन किया जाता है, और उसको राइट डाउन करके मतलब सेकेंडरी डाटा उसको हमने राइट डाउन कर लिया। अब क्या होगा, कोई किसी और व्यक्ति को किसी सर्वे में उस डाटा की जरूरत है तो उस डाटा को यूज कर सकता है। ठीक है, पब्लिश में क्या क्या चीजें आती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो है वो हर एक चीज का डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे वो सर्वे करते हैं, सर्वे अबाउट पॉपुलेशन, सर्वे अबाउट ट्रेड्स, मतलब वो अलग अलग चीजों से गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो है अलग अलग चीजों का डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है, डेथ, बर्थ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इनसे रिलेटेड सर्वे करके डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड, रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन। कई कमीशन बनाए जाते हैं, कई कमेटियां बनाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, अलग अलग चीजों के बारे में सर्वे करके उनसे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करती हैं। अब क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, कई बार हम कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्टडी करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अराइज होने का क्या कारण है, ये प्रॉब्लम कितनी मात्रा में पाई जाती है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या है, तो वो भी क्या करते हैं, जो भी सर्वे करते हैं, जो भी डाटा वो कलेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, पब्लिश सोर्सेज में रखते हैं, क्योंकि वो उसको छापते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। जर्नल एंड पेपर्स, कुछ जर्नल होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे कॉम ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़पेपर हो गया, तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इनमें क्या होता है, टाइम टाइम पर सर्वे किया जाता है कि हमारी पॉपुलेशन की सिचुएशन क्या है, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयड पर्सन का कितने हैं, पॉवर्टी रिमूव हो रही है या बढ़ रही है, वो सब के सब सर्वे आते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो हो गया IMF, WHO, ये भी सर्वे करते हैं। जैसे कि अब हमें कोरोना से रिलेटेड, एट प्रेजेंट कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो जो कोरोना से रिलेटेड हमारे पास डाटा अवेलेबल हो रहा है वो कहां से हो रहा है, हम जो टोटली डाटा लेते हैं वो ईच एंड एवरी कंट्री का WHO प्रोवाइड करा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इस टाइम तक फैलेगा, ये होगा, वो होगा, ये डाटा ही तो है जो हमें हमारे पास प्रोवाइड है कि इस टाइम पीरियड में इंडिया में नियर अबाउट 12 लाख पर्सन है जो कि क्या है, कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना से पीड़ित है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास पब्लिश सोर्सेज। अब हमारे पास अनपब्लिश्ड है। जिस तरह से पब्लिश में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो हम पब्लिश करके रखते हैं, छाप के रखते हैं, बुक की फॉर्म में या हमारे पास रिटर्न में होता है। जो अनपब्लिश्ड है उसमें क्या होता है, जो भी डाटा होता है वो पब्लिश फॉर्म में नहीं होता। ये भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है कि कुछ डाटा क्या है हमारे पास रिटर्न में नहीं होता, सिर्फ हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, अपना यूज करते हैं और उसको संभाल के नहीं रखते, वो हमारे पास अनपब्लिश्ड है, उसको हम छपवाते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे कि उन मेथड्स की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, इस मेथड की भी जो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा का मेथड है, पब्लिश और अनपब्लिश, इनकी भी कुछ डिमेरिट्स है। देखो इनमें क्या होता है, डाटा कलेक्ट करने में के लिए हमें कैसे व्यक्ति की जरूरत है, जो व्यक्ति पूरी तरह से एक्सपर्ट हो, जिसे पूरी नॉलेज हो उस फील्ड की। सेकेंड, इसमें एक और कि जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि उसमें एक्यूरेसी की कमी पाई जाए। थर्ड, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इसमें टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ ज्यादा लगता है, क्योंकि वास्ट है, ये छोटे स्तर पे नहीं होगा, ये बहुत लार्ज एरिया को कवर अप करता है। और इस मेथड में क्या हो जाता है हमारा, हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को और स्कोप को देखते हुए डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी किया कि पब्लिश और अनपब्लिश डाटा में क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं या क्या क्या डीमेरिट्स हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और मेथड्स हैं जो कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के हैं, वो है सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ सैंपल सर्वे। हम क्या करते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया क्या करती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या चल रहा है इंडिया में उसके बारे में स्टडी करती है, सर्वे करती है। तो सेंसस में क्या होता है, जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। सैंपल क्या होता है, जो हम सेंसस में से, अगर मान लो मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है तो वो मेरे लिए सेंसस है। अब उन 100 में से मैं 100 के 100 की स्टडी ना करके एवरी 10th पर्सन की स्टडी करती हूँ, तो मेरे लिए क्या है, सैंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है
कलेक्शन ऑफ डाटा में टेलीफोनिकली इंटरव्यू और कलेक्शन ऑफ स्केंट्री डाटा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।